हमारे सूरीनाम की जनता, आप लोगों को आज एक बार फिर हम याद फरमा रहे हैं और आज मानदा है सेस और खुशस हो गया है, सभी को याद करल जा है। देश के जनता हमार ऑनलाइन सोनराइज एफएम हरेक को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप लोगों को राम राम और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोग मोइसे होइयो जा। आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हम दैनिक समाचार को पेश करबे, जैसे भी आप लोग सुनत हो प्रोग्राम वा को आप लोगों को याद करल जात है। हमारे देश के जनता, हम आप लोग से बताइला, पहले पहले स्टार न्यूज से निकलते हैं, आप जानत बाटो ना, तो फिर यहाँ पे ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखल है और हम उकरे बारे में आप लोगों से भी चंद बातें बयान कर देते हैं जो स्टार न्यूज में बयान है। फिर यहाँ पे ही खेफ स्टार्ट सैन लंदलक मीट द पीपल कंपाइया, तो देश के जनता निकेरी के बात है और फिर यहाँ पे ही शुरुआत कर दिल है। हाँ, फिर यहाँ पे ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शुरुआत कर दी है मीट द पीपल कंपाइया। पार्टी का फोर्सिटर श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी गुजरे हुए वीकेंड में निकेरी में थे और अपन प्रोग्राम को अंजाम दे चुका है। ये कंपाइया देहात में सब डिस्ट्रिक्ट में होगा ना, और मीट द पीपल एक लंद अलग बोले करैक्टर है, बोले हम लोग जनता को मांगीला दिखावे पॉलिटिक भविष्य वोर देगा कैसे है इस देश में, का हो रहा है सब। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बातचीत करेगा ना। भैया देखो, हम किसी का प्रोपागंडा नहीं करते हैं, ये बात स्टार न्यूज ने बयान किया है और समाज को ही लोगन बताना चाहते हैं कि क्या बात है, कैसे कारोबार होगा ना, तो वही से बात है। हमारे देश के जनता सबन बोले आप लोगन होप ना लाश करे, उम्मीद ना लाश करे, फे यहाँ पे रेडिंग है सूरीनाम देश के लिए और ऐसे ऐसे बोलल गए लेगा ना, तो देश जनता इबतिया स्टार न्यूज पर है और हमने इसको आपके नाम पर बयान कर ली है ना? तो सूरीनाम के जनता एक आदमी को सिपाही पकड़ के भीतर कर दी है। अब आप लोग सोचत हो का करिस होई, तो हारो बे नेखनन देर तक यार के है ये नमूना और ई खैर फ्लाइट में बंद है, जानो का है ये अदमिया बड़ी बदमाशी कर दी है, जल्दबाजी में जोश में आकर ये बड़ा कांड कर दिया। का भैल भैया, ये अपन एक्स फ्रौ को जो उनके साथ ही पहले रहत रहा है, इनको हानि पहुंचाया है, बदरेख करी से और हानि मतलब फर्नीलिंग देश के जनता ओतो ओतो पे जाके भिड़ा दीज भैया देश खुए मन हेव द आउट ऑफ फंस एंड एक्स फ्रॉ ऑफ हर वर्क प्लेक ऑफ सेटलक आन खरीद तो ये ऐसा काहे करत हो भैया आप लोगन, और बड़ी कस के भाई है, बड़ी जोर से भिड़ाई से और मफरौवा के एक्स फ्रौ के गाड़ी एक कोलेखा के गाड़ी में जा करके भी टकराया है। दोनों गाड़ी में सखाद और औरत बोले हम तो के बंद करवाबे, ई बोले तू के का भइल है, तू पगलाई गई ले का है। औरतिया अंदर सुख से बता चलल है कि ई दोनों के जो रिलाक्सी है, जो प्यार और मोहब्बत का सिलसिला था ना, वो बंद हो गया। औरतिया हारौल तो बोले देख हारौल हम तो के अपना मांगिला, तू यहाँ से दंधर ऑफ है, बस अदमिया चिजुआ ना फरवेर कर पाइस और बोले हम तो के पता चलावे हम के बाटी, हर वक्त पकड़ा के बंद है भैया, भीतर बैठल है और सूरीनाम के जनता। अरे आप लोगन के जब रिश्ता टूट जाता है, रेलाची ना मो जाते कौन का मुद्दे एक दूसरे के ओतों में भीड़ आवे के है, बेकार में गए लो ना, तो हम का बोली भैया सूरीनाम के जनता, हम आप लोगन से ही सब चीजवन समझावत समझावत थक गईली है यार, लेकिन ऐसा लगत है हमका कि आपके दिमागवा लंबा छुट्टी ले ले से का का खरद बाटो यार। हमारे प्यारे भाइयों, आज मान दख्सा सो खुशस के लिए लिखल बा और के लिखी से चीजवा, बड़ा मोइलक चीज लिखल है बताए, देश के जनता देखो यहाँ पर बयान करल है एन दे पे गौतन रॉयोंग। अरे भू बाबू हु का है रे, तो बोले हैगा कि एन दे पे गौतन रॉयोंग एंड स्टार्ट्स में दिलन इनकम अवैना, लोग हल्ला मचाइल है, पर चया लुहूर बोले कि ये बात गुजरे हुए न्यूज में हमने आपके लिए पढ़े रहे, बोले एंड दे पे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के पैसा से हंसू में गौतम रॉयोंग, भैया वो कहा है ए, हमको तो ना ही पता है, जैसे अखबारों में लिखा हमने आपको बता दिया है भाई है?
तो देश के जनता यहाँ पर बयान करल गए है। अब देखो ना, ये सब चीज भी तुम्हारे देश में भइल है। नई खनतिन यारख इन खसलोतन फोर फरक्रख्तिंग एन इन बरागा। तो देश के जनता आप लोगन के देश में देख लो कितना मोई मोई चीज हो है। सेल्फानो फेई अलियास बुस्ता इस कमीने ने, हाँ भैया नई खनतिन यार का है ये हराम खोर और ये पांच जगह चोरी करे बा। हाँ भैया लातूर में करी से और लातूर त्वेई और आसपास के इलाका में बड़ा हुड़दंग मचैले रहले। और ये एक जवान औरत को अपना हवस का शिकार बनाया है इस कुत्ते ने, तो पकड़ा के अब बंद है भैया। स्लख्त अफर को बलात्कार करके घरवे में छोड़ करके चल गया है। आन खिफ्त हुआ ना और ये पकड़ा गया है। हमारे देश के जनता, हम आप लोगन से कई बार बोली ला भैया, सरकार से भी बोली ला यार, ओपोजिशन वालों से बोलत हैं, कोवालिसी वालों से बोलत हैं भैया, लेकिन आप लोगन के जैसे कान बंद है, का करत बाटो यार। इतना लूट मार भैया, नई खनतिन यार के लौंडा देखो का करिस है। सूरीनाम के जनता दिन दोपहर लूट मार चोरी चपाटी भैया, लेकिन ये सब किसी को जैसे दिखता नहीं है। सरकार में इतने सारे लोग बैठे हैं, भला बैठ के सोचो आप ना, रखेरिंग में इतने सारे लोग बैठल है भाई, लेकिन कोई के मुड़ी में ना घुसे ही बात कि इतना लूट मार, इतना क्रिमिनलिटी भैया। लेकिन हम का बोली आप लोगों से है? हमारा काम है आप लोगों से आकर के बताना, सो हम बता रहे हैं आपसे, का बोले ना। अब दखबला सूरीनाम की तरफ हम आ गए हैं आपको लेकर के जनता। और दखबला सूरीनाम में जानो का लिखल है, बेलफोर्ट बोले है सरकार को चाहिए शर्म, फेयर्स लेडी मतलब प्रेसिडेंट के बीवी धर्म पत्नी को चाहिए शर्म होवे के। बेलफोर्ट बोले दरी दायुसन अख्तन ताख्तक को सखोलता से लड़कन के दे रहे हैं है। तो जनता यहां पर लिखल है, स्खाम तलोस फरवेर पलकम बलखलक। ई बतिया जाने के बोले है, बोले शर्म की बात है भैया, मजाक वाल बात है, एकदम बलखलक बात है। अब आपका पार्लियामेंटारियर और एक्स यूस्टिसी मिनिस्टर एडवर्ड बेलफोर्ट स्टेज पर पौडियम पर ही बतिया बोली सेगा, बोले तीन साल से लड़कन को प्रेसिडेंट बाउतर सकेर के रखेरिंग एकदम भिकमंगा कर दीस है, गरीब कर दीस है, और होखा ऊंचा ऊंचा इंस्क्राइब तारीफ भरवाता है। और अब 3080 को 3088 सोलतास बांटे है, जो उनमें एकाद गो स्क्रिफ्ट है, एकाद गो पेन फर्स्ट लेडी के हाथों इ लड़कन को तसल्ली दिया जा रहा है। तो एडवर्ड बेलफोर्ट का कहना हुआ कि ये बहुत शर्म की बात है भैया, बोले प्रेसिडेंट द अबॉपर नेम्ड एंड नेम्ड है द प्रेसिडेंट क्वालक। बोले हम प्रेसिडेंट को क्वालक ले ला कि वो फरहोग द इंस्क्राइब तारीफन के बारे में इंस्क्राइब खालदन को तरुख द्राई करे के बतिये न करे है ना। अमदा चेहराल बेंत पिनार ये द रेस्ट न्यू। देश के जनता ऐसे बात बोली सेगा एडवर्ड बेलफोर्ट, बोले अब जनता तू एकदम गरीब कर दे ले, भिकमंगा कर दे ले, तत्व ये पकेट देवे है सूरीनाम के जनता, ऐसे बात है भाई। और अरे भैया कौन काम तो के जनता के पकेट देवे के, देश को चलाओ जैसे चाहिए, जो ने जनता अपन जिंदगी खुद जी सके, लेकिन ये लोग तो जनता को भिकमंगा कर दीन है और देश को एकदम फकीर बना दीस है। ये बात लिखल है दखबला सूरीनाम में। बेलफोर्ट का कहना हुआ कि स्कूल इंस्क्राइब ख्याल को फलाख करने के बजाय अख्तन तख्तक को स्कूल तस बांटेगा, शर्म की बात है, बलखलक बात है, डूब मरने वाली बात है। जनता ही बतिया हम ना बोली ला, अभी लोग हमारे पता पूछना शुरू कर देंगे भैया ई दखबला सूरीनाम में जानो के बोलिस है बेलफोर्ट। जनता लोगन
खबरें आप लोगन के एकाध गो जोने है ना, एकाध गो जने बड़ी जोर पूछे लगे है क्यों बंदा कौन है, तो अभी पूछना शुरू करोगे आप लोग। लेकिन एडवर्ड बेलफोर्ट को जा करके बोलो भैया, उसने लिखा है दाखबलात में, यहां पर लिखल है, सूरीनाम के जनता हम आप लोगों को बता दिला, इन ब्राक ऑफ क्लार लिखते दाख यूस्तिसी एंड पोलिसी वाले पता नहीं है का करत है ना? और कोई ना देखे है भैया कि देश में इतना लूट मार मचल है, इतना हुरदंग मचल है भैया, है सभी अंधे बने हैं भाई, पता नहीं है यार मंदिर को सिपाही को मेल्डिंग मिलता है कि वहाँ पर से एक मकान में से 9,205 तक एसआरडी 3,500 यूरो 1,300 US डॉलर भैया। आप लोगन सठियाए गाँव का इतना ढेर पैसा घर में काहे को पकड़त बाटो यार, आप जानत बाटो कि इतना चोरी चपाटी होता है फिर भी इतना पैसा है, ये ब्लाका मोनी है का, वरना लोग बैंक में धरते हैं इतना ज़्यादा पैसा कौन काम घर में पकड़े। आपको नहीं पता कि देश के हालात किस तरफ जा रहा है, तो घर वापसी होते ही लोगों ने देखे कि सब कुछ इधर का उधर हो गया, और जब गल देखे तो पैसा भाग गया, पैसा कोई लेकर के चला गया, गहना गुड़िया भैया वार द फॉलोस पिलर सब गए। तो आप लोगन ई जो तरीका है ना बलंग राय के स्पेलन जो है सोना चांदी गहना गुड़िया घर में पकड़ते हो, ये सब चीज ना करियो तो बेहतर है, वरना इतने सारे पैसे आपके कोई मुफ्त में ले जाएगा। हमारे दोस्तों खबरें आप लोग के नाम पे हम रखते हैं, खबापन द रोफ ओफर फाओ इन वोनिंग दिते जितवेद मंदिर के सिपाही को सोमदाह के 3 बजे मेल्डिंग मिला है कश्मीर सरात के भैया। हाँ, इसमें लोग एक मकान में घुसिल है, हैं मकान में घुसते ही भाई मनाई लोगन भाई जब चोरी हुआ ना, हाँ तो सुनियो अंदर बदरे किंग फन वापन भैया, जनता वहाँ के लोगों को सभन एकदम कंगाल कर देन है। $10,000 सब गए भाई, हमारे देश के जनता हम ना समझिला आप लोगों इतना ज़्यादा पैसा काहे को घर में पकड़त हो भैया, काहे को है काहे को पकड़त हो, सूरीनाम के जनता ये सब बड़ा मुइलक बा, हम आप लोगों को ये सब बातें बता रहे हैं ताकि ये लोगन ये सब आप लोग के लिए एक सबक हो भाई ना, पता ना है यार कोई के ना देखा है भैया, इतना लोग सरकार में बैठल है लेकिन ये क्रिमिनलिटी इतवा पे कहे ना सब काम करे है यार, हम ना समझेला का होगा, लेकिन जब तलक दम में दम है भाई हम बोलते रहेंगे, और हमारे देश की जनता ये सब चीज़ बड़ा मुइलक है यार, इतने सारे बवाल है आपके देश में, देखो मान बरोफ दुर्तवे क्रिमिनल और खस्तौला औतो देल्स खसलोप तरखफोंदा, तो ये सब मामले भी होते हैं, एक तो आपको लूट लेते हैं सर से पांव तलक आपको एकदम काल बना के चल जाते हैं, और गाड़ी भी देखो इस आदमी का स्लोप मिला है वापस, तो पता नहीं है का होगा, लेकिन हमारे देश के जनता हम फिर कहते हैं आपसे, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों को ये सब बातें अब ना नज़र आ रहा है यार, इतने सारे लोग वहाँ यासदास में घूमे हैं भैया, लेकिन ये लोग जैसे पगला है यार, ना देखे कितना लूट मार मचल है, नहीं दिखता है कितना क्रिमिनलिटी है भैया, ये लोगन को पता नहीं है कौन बीमारी लग गया है यार, ये सब जनता को भूल गए हैं, और जनता आप लोगन ना आप लोगन को ये लोग बड़ा मोई से चूना लगा कर और आज मरने के लिए छोड़ गए हैं, लेकिन आप लोग भूल बड़ा जबर जाते हो, भुलक्कड़ के सरदार है आप लोग ना, तो भूल जाओगे तो आपके साथ यही होगा, अपू लोग के पास ढेर पैसा है और आप सभी ना अब फकीर हो गए हैं, है? जेब में पैसा ना रुके है आपके, और वो लोग ना आपके नाम पर जी रहे हैं। अभी आने वाले साल में भैया त्वेंतख की बात हम करते हैं, तो यही मनैयन जोन बैठल है जोन आप लोगन के दुख कटवावे है, जोन आप लोगन के पीना करवावे है, जोन आप लोगन को नितिन से को दत्रा कार्ता बढ़िया से दे पावे है,
पहले आपको अनन मेन फरमोहकार रहा, अब आप अपने आप को खुद जा कर के फर्सीकर कराते हो पार्टिकुलर में और जोर से पैसा भरो है। हर एक चीज महंगा हो गया भैया, इंस्क्राइब हेल्थ आप लोग ना भर पाओ है, और कितना खराब ये लोगन आपके देश को कर दिए हैं। लेकिन आप लोगन एक बार इस बात भुला जाइयो, यही मनयन जो नाज आपके गटई में स्ट्रॉप डार के एकदम कस दिन है, यानी वारी तो नई खंतिन में ब्लास्टिंग भी चढ़ाएंगे आपके लिए। आप लोगन एक बार इस बात भुला जाइयो, भुलक्कर तो बाटो भुला जाइयो, तो जा करके जब यही लोग आएंगे आपके सामने हाथ जोड़ेंगे भीख मांगेंगे, हाँ अब आपको भीख मंगवा रहे हैं ना, एक बार इस बात आपके सामने हाथ फैलावे यही मनयन भीख मांगेंगे, तो आप लोगन इन भिखारियों को मोई से सोच समझ करके जवाब दी हो। देश के जनता मोई से रहियो, इंस्क्राइब ख्यालत इतना महंगा हो गया, आज सरकार की औरत घर से दुल्हिन बन के निकल है, तस और पकेत निकल है बाटे के, अरे इंस्क्राइब ख्याल सस्ता कर दे तो लड़कन के माई बाप खुद कीनेगा अपने लड़कन के लिए ताश, आज तू जीना मुश्किल कर दे ले, एकदम भिकमंगा कर दे ले कि मनाए लोगन जब इंस्क्राइब ख्याल भरी तब महीना भर घास खाइए, अबे लड़कन के स्कूल के चीज कितना महंगा हो गया। लेकिन हमारे देश के जनता आप लोग के आँख ही पता नहीं है भाई खुला है या नहीं, हमारा काम है आपको सावधान करना, हम भी इस देश में जी रहे हैं, हम भी महंगाई के शिकार हैं, हम किसी के पढ़ते ही नहीं लेते भैया, हम वही बयान करते हैं जो अखबार ने बयान किया। हमारे देश के जनता आप लोग के लिए खबरें हमने आज के वास्ते रख दे ली बाटी, मोय से आप लोगन रहियो, प्रॉब्लम अगर हैगा आप लोगन के, प्रॉब्लम सगरो है ना, हाँ तो प्रॉब्लम अगर है तो आप लोगन अपन प्रॉब्लम से ना, हाँ प्रॉब्लम से पेश आना सीखिए, मायूस होकर के प्रॉब्लम अगर खड़ा कर दियो तो और बड़का प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे भाइयों सूरीनाम के जनता फरकेर में भी आप लोग ख्याल करें, जी हाँ अपन अपन लड़कन के मोई से ख्याल करें, सब कारबार अपन ख्याल करें या और क्रिमिनलिटी के बारे में तो कुछ कहा नहीं जाता है भैया, उस पर भी आप लोगों अमल करें, रात के कुत्ता इफ भोग देगा तब आप इफ जाग जाइयो का घंटा और देखियो आसपास में फ्लैशलाइट बार करके कि कोई है ना हमारे घर में, घर के आसपास में कोई घूमे है का, और हम बताएला आप लोगन हमारे बात को गलत ना समझे, लेकिन हम कहते हैं इंसान से दोस्ती अच्छा है करो, लेकिन कुत्ता पालना आप ना भूले, क्योंकि कुत्ता आपके घर का हिफाजत करता है, इंसान आपका घर बिगाड़ देगा वक्त आने पर, आपको कंगाल कर देता है, आपको एकदम मैं खरों खलाई कर देता है ना सब कोई अच्छा, लेकिन एक कुत्ता है भैया, एक कुत्ता आपके साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा दोस्तों, वो तो आप जब सो रहे हैं कुछ हिलल भैया, वो अपने बिरादरी के कुत्ते को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, तो दो पांव वाले कुत्ते जो आपके घर को लूटने आएंगे उनको देख करके कब नहीं भौंकेंगे। आप लोगन हमारे बातों को समझे अमल करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, नमस्कार और जिंदगी रहा तो फिर मिलेंगे, देश जनता ऑनलाइन सनराइज FM फेसबुक यूट्यूब, शुक्रिया, खुदा हाफिज हमारे दोस्तों।